समुद्र मंथन भी क्या है, आत्ममंथन क्या है, तो वो व्यक्ति को आत्मा में जागृत करने के लिए। बाकी चौपाटी पे पानी पिलाने वाला इतना विश्वास पर रूप में खड़ा कर सके, ये कोई यकीन नहीं करेगा। ये विश्वास की ही कृपा है या विश्वास की दृढ़ता का ही परिणाम है कि ये एक चीज बन गई। गलती ये होगी कि सरकारी जमीन ले। कुछ दिनों पूर्व राजस्थान की विधानसभा और भारत की संसद में नाथद्वारा में बनी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का विवाद उठा था। उसके बाद शनिवार को मिराज समूह के निदेशक मदन पालीवाल ने नाथद्वारा में तत्पदम उपवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिना नाम लिए जनप्रतिनिधि दंपति को जवाब दिया। पालीवाल ने मीडिया से कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जिनको विश्वास स्वरूपम बोलना नहीं आता है वो अपने मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं, मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना है, लेकिन आप स्वयं यहां आकर देखें और सत्य को खोज कर लिखें और असत्य है तो उसका खंडन करें। उन्होंने कहा कि विश्वास स्वरूपम मूर्ति नहीं होकर एक स्टैच्यू है जिसे शिव का स्वरूप दिया गया है, यह मेरे मन के शिव हैं, इन्हें चाहे मैं कैसे भी बिठाऊं, यह मेरे भाव हैं। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, यहां पर कोई प्राण प्रतिष्ठा किसी का विरोध करने की बजाय वे भी अपने मन का शिव बनाने का प्रयास करें। इस प्रतिमा को देखने के लिए एक साल में 15 लाख से अधिक पर्यटक आए हैं, जो आंकड़े हमने स्वयं ने बताए हैं, जो शाश्वत सत्य है। अगर इतने लोग देखने के लिए यहाँ आए हैं तो निश्चित ही ठेला चालक, होटल व्यवसायियों से लेकर हर छोटे मोटे व्यवसाय के लोगों को राजस्व की बढ़ोतरी हुई होगी। लेकिन जैसे ही 15 लाख का आंकड़ा सामने आया तो लोगों की तत्पदम उपवन परिसर में निर्मित विश्वास स्वरूपम के राजस्व पर नजरें गई और अनर्गल बयान जारी करने लग गए। हालांकि इनका क्षेत्र में खुले स्वर में विरोध भी किया जा रहा है। मदन पालीवाल ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि विश्वास स्वरूपम से प्राप्त राजस्व को यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों के अलावा गौशाला में गौ सेवा, नंदी सेवा और यहां पर संचालित निशुल्क अन्न सेवा कार्य में भी उपयोग में लिया जा रहा है। मैंने नफा कमाने के लिए यहां पर प्रतिमा का निर्माण नहीं करवाया है, मैंने तो केवल जो मेरे भाव थे उनको प्रतिमा के रूप में उकेरा है। अगर कोई आपत्ति जताने के साथ ही अनावश्यक परेशान करते हैं तो गलत है। हाँ, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने सरकारी जमीन पर इसका निर्माण करवाया है। पालीवाल ने कहा कि अगर बेवजह सत्य को असत्य बताकर अनावश्यक मुद्दा बनाया जाता है तो हो सकता है कि मेरे द्वारा बनाई गई प्रतिमा के द्वार हमेशा के लिए ही बंद कर दिया जाए। गौरतलब है कि गत दिनों सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा लोकसभा के संसद में शून्यकाल के दौरान और विधानसभा में नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने नाथद्वारा में निर्मित शिव मूर्ति के व्यवसायीकरण के साथ मनोरंजन के रूप में विकसित करने पर आपत्ति जताई थी। सांसद ने कहा था कि शिव मूर्ति में लिफ्ट लगाने, जूते चप्पल पहनकर जाने से धार्मिक भावनाएं आहत होती है, इसलिए सरकार ऐसे स्थलों को सिर्फ धार्मिक स्थल के रूप में ही विकसित करे। नाथद्वारा की गणेश टेकरी पर तपवदन उपवन की ओर से बनाई गई विश्वास स्वरूपम को विश्व के मानचित्र में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में अंकित करने के कार्य की सराहना की जा रही है तो सदन में मुद्दे उठने के बाद से ही कभी सोशल मीडिया पर तो कभी चौराहे पर सांसद व विधायक को खुले स्वर में विरोध होना शुरू हो गया है। हालांकि मदन पालीवाल ने दोनों ही जनप्रतिनिधियों पर कोई टिप्पणी कर चुप्पी साधे हुए अपने आप को मौन रखा, लेकिन इशारों ही इशारों में दोनों जनप्रतिनिधियों पर करारा व्यंग करते हुए कहा कि मेरे द्वारा अस्पताल में बनाए गए आईसीयू में वे लोग चिकित्सक विशेषज्ञ लगाने का काम तो नहीं कर पाए।
जिन जिम्मेदारों ने इस विश्वास स्वरूप के ऊपर को लेकर सवाल उठाया, आप उनको क्या कह रहे हैं? ना, मैं उसके बारे में मौन में कुछ नहीं कहना चाहता। जो वीडियो आया मोबाइल पे, किसी ने भेजा, किसी चैनल में चला, उसमें वही जूते चप्पल किसी पीटी बातें जो सच से काफी परे, तो मैंने आप ये जो चौथा स्तंभ है इसलिए बुलवाया कि आप अपनी आंखों से देख लो और अपने मन में जो आए वो कमेंट कर। विश्वास स्वरूपम बोलना नहीं आता है वो कमेंट कर रहे, मैं ये कह रहा हूँ। तो इसके पीछे उनका लॉजिक क्या होता है? नहीं, तो आप भले खुलवाना चाहो, मैं कह रहा हूँ इस बारे में, मैं मौन हूँ, मैं नहीं बोल सकता। तो आप भी प्रेस के माध्यम से अपना विषय पूरा स्पष्ट करना चाह रहे हैं, वो विषय वहाँ विधानसभा के माध्यम से रखा गया। हाँ। तो क्या एक ही क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार और एक सामाजिक परिवार में कोई संवादहीनता है कि दोनों आपस में इन विषयों को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, वो ये बोल उनसे पूछिए, उन दोनों का उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया खुल के दी। हाँ, मैंने भी खुली की थी ना, जिसको विश्वास स्वरूप बोलना नहीं आता है, मैं तो ये कह रहा हूँ, वो अपना इसके बारे में मैंने कहा ना कि उस पहाड़ पे बड़ का पेड़ है और आप सब लोग बड़ का पेड़ बोलने लग जाओगे, जाके देखोगे तो कंटीली झाड़ियाँ हैं वहाँ पे, तो बस ऐसा कोई बोल देना। मुझे यही क्लियर करना है कि जो बोला जा रहा है कि बोंडा डांस हो रहा है, यहाँ पे मनोरंजन नहीं होना चाहिए, जूते पहन के जाते हैं, ये होता है, ये आप लोग इस स्टार्ट से लेके यहाँ की व्यवस्था दिखाएंगे कि कैसी, फिर आपके मन में जैसा मैंने कहा पहले जो आपको उचित लगे। नहीं, ये धर्म परिसर नहीं, ये एक आस्था का परिसर, एक विश्वास का परिसर है। मैंने पहले ही बोला ना, जे सत्ता संबल रही नहीं संतन कर साथ तिनकर मान, वही बात है। बस मैं कंकर में, वही बात है, आप घर में एक, आप जयपुर के गलियों में नहीं गए खजूर का, कौन सा खजराना वाला राज, क्या है खजाने वाला रास्ता, कुत्ते पेशाब कर रहे वहां पे, नालियों के ऊपर मूर्तियां पड़ी, इसलिए पड़ी कि वो प्रतिष्ठित नहीं, उनमें प्राण आरोपित किए गए, उनके लिए मंत्रोच्चार से कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, वो मंदिर में स्थापित नहीं किए गए, बाकी तो पत्थर दर्शनीय स्वरूप। आपने ऐसे शिव जी कहीं देखे पहले? कहीं है विश्व में ऐसे? ऐसे शिव जी कहीं नहीं होंगे, ऐसे शिव जी कहीं नहीं, ये मेरी कल्पना के शिव है, तो मैं स्वतंत्र हूं कि मेरा शिव सोया हुआ हो, बैठा हुआ हो, क्या पता है इधर से घूमते घूमते जा रहे सिन्हा जी का द्वार समझ में आ गया, मैं तो यहीं बैठा हूं, बैठ गए। इस पूरे मामले में नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने मीडिया के समक्ष मुखातिब होते हुए पुनः वही बात दोहराई है। विधायक मेवाड़ ने कहा कि मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन विधानसभा में जो कहा वही आज भी कह रहा हूं, शिव प्रतिमा को पेड़ से छूना गलत है। हालांकि विधायक और सांसद ने पिछली बार जूते चप्पलों के साथ प्रतिमा की बात कही थी, लेकिन मदन पालीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूते चप्पल का खंडन होने के बाद विधायक इस बार पेड़ से छूने वाली बात करते नजर आए। इस मसले पर विधायक मेवाड़ ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, उन्होंने जो कहा है वो उनकी सोच है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने बताया जो उनको बताना था, जो मुझे कहना था मैंने विधानसभा में कह लिया है, और उसमें जो विधानसभा में कहा है उससे ज़्यादा तो मैं और क्या जोड़ूं। लेकिन जोड़ना तो एक प्रश्न तो पूछ सकता हूं मैं, आपके घर में भी कोई मूर्ति होगी, कोई भगवान का चित्र होगा, तो क्या आप उस मूर्ति या चित्र को अपने पैर से छुओगे? उससे आगे मैं और क्या बताऊँ। ये जो प्रतिमा है वो आपने उसमें विधानसभा में बताया था कि वास्तव में ये जो एक अधर्म की तरह है, तो उन्होंने ये उसी पे दिया कि नहीं, ये तो विश्वास स्वरूप का नाम भी नहीं देते, तो वो क्या संज्ञा है? देखो, जो उन्होंने कहा जो मैं उससे ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मैंने जो विधानसभा में कहा वही बात सही है, और आपने भी जो मेरे प्रश्न का जवाब दिया है वो भी वही बात बतलाता है। अब ये प्रश्न मैंने बंद करवाना चाहता नहीं, ये सरकार को पूछा है कि सरकार क्या करना चाहती है इसके बारे में, ये सब उनकी सोच है, अब उनको जो करना है वो मैं क्या बताऊँ। आप पूछ रहे बार बार, तो ये व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये जो
सही और गलत धर्म की बात है। और मैंने मुझे तो खुशी है कि सब लोग ज़्यादातर संतुष्ट है, तो मैं उन्हीं की बात आगे लेके गया हूँ, क्योंकि आज ये जो विषय है एक ही है कि आप ये धर्म की बात है, आप मूर्ति के अंदर कैसे जा रहे हैं, और बाकी जो भी प्रश्न है वो तो अलग ही विषय है, फिर वो अलग। सर मेरे घर में 6 लोग हैं और पूरे मेरे मम्मी पापा भाई बहन ये सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। मुझे यहाँ से तनख्वाह मिलती है, उसी तनख्वाह से मेरी 6 लोगों का पेट भरता है। तो इसी तरह यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 एम्प्लॉइज है, 1000 अगर मैं एवरेजली परिवार में 5-6 लोग भी माने तो 6000 लोगों का घर यहाँ पे बन रहा है। हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए जो सर ने किया है, बाकी चीज पर फोकस नहीं करना चाहिए। अन्य व्यवस्थाएं भी हो सकती थी तो कर लेनी चाहिए सर। मैंने ये कहा, मैं इस बात पे बोलता हूँ कि आज से 15 साल पहले मैंने ICU बनाया है नाथद्वारा, ठीक है, एक हार्ट का डॉक्टर तो लगवा दो, डॉक्टर लगवा दो, ICU बना दिया, ये त्रिनेत्र सर्कल बनाया, आज विकसित हुआ या नहीं हुआ, वहां 50 थैले वाले काम कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे या नहीं कमा रहे, उस चौराहे पे रौनक है या नहीं, ये नगर पालिका ने कृष्णा सर्कल बनाया तो यहाँ रौनक है या नहीं, मनोरंजन के लिए उसको खाने के लिए कोई थैला लगेगा तो उसका मन लगेगा ना कि भाई वो घूम के चला जाएगा, वहाँ बैठने के लिए मनोरंजन भूखा बोलने वाला भी होता है कि भाई ये मनोरंजन कर रहे हैं, वो निशाना लगा रहा है, वो उसका 2 पैसा कमा रहा है, वो उसका मनोरंजन कर रहा है। एक योजना तैयार की थी इस बार स्वरूपम बनाने की, विशाल प्रतिमा, तो उस समय सोच लिया था कि इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, ये दर्शनी डे फर्स्ट से इतना बड़ा काम हो रहा है, मुझे पता नहीं है कि ये दर्शनी है या प्रदर्शनी है या पूजनी है। शिव जो है, शिव तत्पदम की प्रॉपर्टी तो नहीं है, शिव जो है साक्षात शिव जो है वो तत्पदम की प्रॉपर्टी नहीं है, उनके भीतर का शिव है, जो इंसान जो समझ रहा है उनके भीतर शिव साक्षात वो दर्शन कर रहे हैं, तो साक्षात शिव के जब दर्शन कर रहे हैं तो थोड़ा प्रयास होगी, थोड़ा प्रयास करके आओ ना, इसका अभ्यास करके आओ कि दर्शन और प्रदर्शन में क्या फर्क है, थोड़ा भी यहाँ भीतरी अभ्यास करके भी आओ, आप भी बनाओगे नहीं विश्वास हो सकता है। हाँ बनाओ, वो तो आप अपने ढंग का, ये मेरे स्वरूप मेरे ढंग का है, आप भी अपने ढंग का कभी बनाओ, दृढ़ता करो, यही बात आर्ग्यूमेंट में जा रहे हो, दृढ़ता में आओ, अपने अंदर का विश्वास दृढ़ करो, अपने अंदर की आत्मा को ऊपर उठा, ये एनर्जी उधर लगेगी ना तो आप भी कहीं ना कहीं एक स्वरूप बनाए। आप लोग आए, मैंने कुछ एग्रेसिवली कुछ कह दिया हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से, और जैसा आपको आप विजिट कराएंगे और आप वो लाइट एंड साउंड शो भी देख के जाना, ताकि ये पता चले कि आज किसका नंबर टर्न रुद्राष्टक का, तो धर्म में क्या हो रहा है आज विश्व में, भारत में ही नहीं विश्व में धर्म के नाम पे क्या हो रहा है, उसको किस प्रकार मैंने यहाँ मैंने लिखा है, मैंने बोला है और मैंने उसको किसी को निर्देश दिया कि फिल्म आना, अब फिल्म आने का काम मेरा नहीं, तो उससे आपको भी कुछ समझ में आएगी देश में क्या गतिविधियां चल रही है, वो यहाँ समझ में आएगा। तो 7 दिन अलग अलग चलता है, समुद्र मंथन भी क्या है, आत्ममंथन क्या है, तो वो व्यक्ति को आत्मा में जागृत करने के लिए, बाकी चौपाटी पे पानी पिलाने वाला इतना विश्वास पर रूप में खड़ा कर सके ये कोई यकीन नहीं करेगा, ये विश्वास की ही कृपा है या विश्वास की दृढ़ता का ही परिणाम है कि ये एक चीज बन गई। गलती ये होगी कि सरकारी जमीन लेके